नैनीताल के हल्द्वानी में बीती 8 फरवरी को हुई हिंसा और आगजनी के बाद से ही बनभूलपुरा क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया है। लिहाजा कर्फ्यू क्षेत्र में आवश्यक सामग्री और मूलभूत सुविधाओं की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। बता दें कि एक ओर जहां पुलिस दंगाइयों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ शांति व्यवस्था कायम करने और बीमार लोगों को दवाइयां समेत अन्य सामग्री का वितरण किया जा रहा है। वहीं प्रशासन तेजी के साथ जहां दंगाइयों को सलाखों के पीछे भेजने का काम कर रहा है, तो वहीं कर्फ्यू प्रभावित क्षेत्र में शांति व्यवस्था के साथ ही आवश्यक सेवाओं को सुचारू भी कर रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, अभी हम लोगों ने सुबह से यहाँ पर सब्जी और दूध वगैरह वितरण करना शुरू कर दिया था, तो दूध में इस प्रकार से सब्जी वितरण की जा रही ताकि ज्यादा लोग ना आए। एक परिवार से एक ही व्यक्ति को बाहर बुलाया गया और उनको लाइन बाय लाइन 8-10 लोगों को बुलाया गया एक बार में, और उसको राशन वितरण की कार्रवाई भी हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अभी चारे की डिमांड भी की जा रही है, कुछ जानवर भी हैं यहाँ पर हैं, तो अभी हमने बात करी है तो थोड़ी देर में हमको चारा भी अवेलेबल हो जाएगा ताकि जानवर वगैरह जो भी अंदर होंगे उनको भी हम उपलब्ध करा देंगे। स्थितियाँ जैसे सामान्य होती जाएंगी वैसे वैसे हम लोग इसमें ढुल भी दी जाएगी। सर, क्षेत्र में किस प्रकार की कोई ऐसी कोई गतिविधि देखने को मिली आपको या कुछ माहौल वहाँ शांत देखने को मिला? देखिए, अभी तो सारी फोर्स वगैरह सब तैनात है। देखिए, अभी जो प्रभावित क्षेत्र था वहाँ पर कर्फ्यू जारी है, लेकिन वहाँ पर दूध, सब्जियाँ, राशन, दवाएँ और की आपूर्ति सामान्य की जा रही है। वहाँ पर मजिस्ट्रेट और जो आपूर्ति विभाग के लोग लगे हैं वो काम कर रहे हैं, मंडी के लोग काम कर रहे हैं। वहाँ जो हॉस्पिटल्स और जो मेडिकल स्टोर से उनको ओपन करा दिया गया है। सुरक्षा के लिए वहाँ पर पुलिस, PSC और पैरामिलिट्री के लोग तैनात हैं। और जो दंगाई थे जिन्होंने ये बलवा किया है, उपद्रव किया है, उनमें जो चिन्हित लोग किए गए हैं फुटेज के आधार पर, वीडियोज़ के आधार पर, उनको चिन्हित करने का काम, उसमें वैधानिक कार्रवाई करने का काम पुलिस कर रही है।